Hey guys, everyone, मैं हूं सनी, SS किचन में आपका स्वागत है। आज मैं भी तुम्हारे साथ में हाजिर हूं, तो चलो शुरू करते हैं न्यू वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आया हूं सूजी की कुछ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं। इसमें एक कप चीनी डालेंगे, आधा कप इसमें पानी डालेंगे और हम इसकी चाशनी बनाएंगे। हमको एक तार वाली चाशनी बनानी है। अभी तो हल्का हल्का तार आ रहा है इसमें, हल्का हल्का। देखिए हमारी चाशनी बनने को जा रही है। अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, एक दो मिनट। जब तक वेट कीजिए, सूजी वाली मिठाई आपने एक बार खा ली मुंह लग जाएगी। हेलो दोस्तों, हमारी चाशनी बन के रेडी है। अब हम गैस को बंद करते हैं। देखो एक तार आने लगा है इसमें। गैस को हम ऑन करेंगे, गैस हमारी ऑन हो गई। अब इसमें हम दूध डालेंगे। हेलो दोस्तों, हमारा दूध गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक कप सूजी का डालूंगा। अब इसे मैं मिक्स करूंगा। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अब जैसे कि ये गाढ़ा हो रहा है, जैसे दूध कम है या नहीं है, या आप पानी में भी बना सकते हो, पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। ये बनकर रेडी है। अब हम इसे स्लैब पे हाथों की सहायता से गूंदेंगे। इसे जैसे हमने ये स्लैब पे ले लिया है सूजी की मिठाई बनाने के लिए, हाथों की सहायता से इसे इस तरह से गूंदना है। इसको मैंने 2-3 मिनट तक गूंद लिया है मसल मसल के। ये एकदम ऐसा हो गया चिकना आटे की तरह। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से कि लोई तोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, एक साइज की लोई बनेगी इस तरीके से, ऐसे हमें लोइयों को तोड़ना है। हमारी लोई टूट के रेडी है। हमें कुछ इस तरीके से लेना है, हाथों पे ऐसे हाथों को करना है। एकदम लोई ही गोल बन के रेडी हो गई है। अब हमें इसे दबाना है, इस तरीके से बनाना है हमको। देख सकते हैं पलट के एकदम गोल कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से हमको सारी लोइयों को बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी लोइयां बनके रेडी हैं। अब हम इसे, हेलो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हाथों की सहायता से हमको इस तरह से करना है। देखिए बनके रेडी है। इसी तरह से सारी लोइयां बनानी है हमको। हमने सारी लोइयों को अच्छी तरह से बना लिया है। अब हम इनमें छेद करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हाथ पे लेके बताते हैं हम आपको। माचिस की तीली से आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से छेद करने हैं। हेलो दोस्तों, मैंने सारी लोइयां एक जैसी कर ली हैं और सारी लोइयों में मैंने छेद बना लिए हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह से चाशनी इनमें अच्छी तरह से भर जाएगी, मिल जाएगी एकदम। बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। जब आप खाओगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा इसमें। हेलो दोस्तों, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने दूंगा। हेलो दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें छोड़ते हैं ऑयल में सेकने के लिए। अब हम इन्हें दोनों साइड से सेक लेते हैं खूब अच्छी तरह से, खाने में टेस्टी लगे। हेलो गाइस, ये सेककर रेडी हो चुके हैं। मैं गैस को बंद करता हूँ। मेरी सहायता से मैं निकाल दूंगा इसमें। देखिए कितने अच्छा लग रहा है देखने में। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी चाशनी गर्म हो रही है, ठंडी हो गई थी।
मैंने बनाई थी पहले। हेलो दोस्तों, हमारी चाशनी बन के रेडी है। मैं इनको इसमें डाल दूंगा, सूजी वाली मिठाई को। इनको चाशनी में 1 घंटे तक रखना है हमें, ताकि ये चाशनी को सोख सके, खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी सूजी वाली मिठाई बनके तैयार है।